दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने हैं। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर जासूसी कराने का आरोप लगाया है। दरअसल दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट को लेकर सीबीआई ने विजिलेंस विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसके अनुसार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर विपक्षी दलों की जासूसी कराने का आरोप लगा है। अब इस मामले में सीबीआई दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर केस चलाने की अनुमति चाहती है। जानकारी के मुताबिक 2015 में सत्ता में आने के बाद दिल्ली सरकार ने एक फीडबैक यूनिट बनाई थी, जिसका काम हर विभाग पर नजर रखना था। सरकार का कहना था कि इससे उनकी मंशा ये है कि विभागों के भ्रष्टाचार पर नजर रखी जा सके। हालांकि बाद में सरकार पर आरोप लगा कि इसके जरिए दिल्ली सरकार विपक्षी दलों के कामकाज पर नजर रख रही है। दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग के एक अधिकारी की शिकायत पर सीबीआई ने प्रारंभिक जांच की। 2016 में एजेंसी की ओर से कहा गया कि सौंपे गए कार्य के अलावा एफबीयू ने प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों की जासूसी की थी। सीबीआई के मुताबिक 8 महीनों के दौरान एफबीयू ने 700 से ज्यादा मामलों की जाँच की थी। इनमें से 60% मामलों में राजनीतिक खुफिया जानकारी जुटाई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक एफबीयू की स्थापना के लिए कोई प्रारंभिक मंजूरी नहीं ली गई थी, लेकिन अगस्त 2016 में सतर्कता विभाग ने अनुमोदन के लिए फाइल तत्कालीन एलजी नजीब जंग के पास भेजी थी। जंग ने दो बार फाइल को खारिज कर दिया। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी खजाने में नुकसान का भी जिक्र किया था। एजेंसी की माने तो फीडबैक यूनिट के गठन और काम करने के गैर कानूनी तरीके से सरकारी खजाने को लगभग 36 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सीबीआई ने कहा था कि किसी अधिकारी या विभाग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब फीडबैक यूनिट को लेकर सीबीआई ने विजिलेंस विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके अनुसार मनीष सिसोदिया पर विपक्षी दलों में जासूसी करने का आरोप लगा है। अब इस मामले में सीबीआई दिल्ली के डिप्टी सीएम पर केस चलाने की अनुमति चाहती है।